गणपति गजानंद महाराज की जय। श्री नवदुर्गा माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगरतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णुर मंगलं गरुडध्वज। मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनोहरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। यजमान बालेन तिलकं मा कंकण बंधनं मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णे मे शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः। शिरे रंगे गुष्ट्वा गुष्टस्तनो विश्वसे वहि देवहितं जतायुः। शतमिन्नु शरदो शान्तिर्विश्वे देवाः। शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ईशानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः। सर्वद्रं तन्न आशुवः। येन बद्धो बलि राजा दानविद्रो महाबलः। तेन तवामपि वदनामि रक्षे महाचल महाचल। नो पूछा है तो मैंने आप सुचक्षा अहमक्षेभ्यां भूया सद्गो सुवर्चा मुखेन। सुश्रुत कर्णाभ्यां भूया सम्मः। पुष्पं गृहीत्वा विनाशाक्षा धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं सोम स्वस्तिं प्रवंदुनः। पुष्प हाथ में रख के हाथ जोड़ के सभी भगवानों को याद करेंगे। सबसे पहले विघ्नों को देव भगवान गणेश जी को याद करेंगे। माता रानी को याद करेंगे। हमारे इष्ट देव को याद करेंगे। हमारे गांव के देवों को याद करेंगे। हमारे घर के देवों को याद करेंगे। ब्रह्मा सावित्री शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे। हमारे गए हुए सभी पूर्वजों को याद करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। निर्विघ्नमस्तु विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। सरस्वते प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। सभी को बोलना है मम मम सर्व सर्व कार्य कार्य सिद्धये सिद्धये। पुष्प वो थाली के अंदर छोड़ दीजिए। सर्व कार्यार्थ सिद्धये। जलमादाय जल का चम्मच भर के रखना है। सुनील जी आप भर के रखिए। जल का चम्मच भर के रखिए राइट हैंड से। बाकी सब एक दूसरों को हाथ लगा के रखेंगे। तीन बार ओम विष्णुवे नमः बोलना है। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराग्नयः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोदित्ये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे मासरं मासे पुण्यपवित्र पौषमासे शुद्धे शुक्लपक्षे दशम्यायां तिथौ वारश्रेष्ठ शुभवासरनिमित्तायां गोत्रोच्चारः कश्यपादि गोत्रोत्पन्नः अमुकवेद प्रवरान्वितः। अपना अपना नाम बोलना है मन में। अमुक नाम ने यजमानो अहम। फिर सभी को बोलना है मम आत्मन श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थे ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त संरक्षण अर्थे अर्थे सकल सकल मनोरथ मनोरथ संसिद्धि संसिद्धि अर्थे अर्थे लोके लोके सभायां सभायां राजद्वारे राजद्वारे सर्वत्र सर्वत्र यश यश विजय विजय कीर्ति कीर्ति लाभ लाभ प्राप्ति प्राप्ति अर्थे अर्थे तथा च आचरित आचरित। अपना प्रोडक्शन भी नया है आपको पहले से मम मम व्यवसाय व्यवसाय क्षेत्रे क्षेत्रे अंतर्गत अंतर्गत। हमारे पिक्चर का नाम बोलना है आर पार आर तस्य चित्रपट मध्ये प्रगति उन्नति प्राप्ति अर्थे भगवान गणेश अम्बिका पंच उपचारे।
से याद करेंगे आकाश मंडल से नमः पृथ्वी माता को हाथ लगाकर वंदन करेंगे नमो नमः हाथ जोड़ के गुरु बनाए हुए हैं तो हमारे गुरु को याद करेंगे साथ में जगत के गुरु भगवान कृष्ण को याद करेंगे हरे ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः परमात्मने नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरभ्याय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय अंगाननाय तृतीयत्न विभो जोरदार तालियों से इनके जन्मदिन का मुबारकबाद दें। अच्छा
ऐसे लग रहा है कि इस तरफ वाले खाली ताली बजा रहे हैं और इस तरफ वाले देख रहे हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। अब चार सब जरा बोल दीजिए सर। पीछे स्पीकर है, पीछे आगे कर क्लिक करें तो बड़े हो जाएंगे। आगे ऐसे नहीं नहीं वो आगे का टच पे है। फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन करो ना, वो छोटे वाले विंडो पे भी पूरा हो जाएगा। ये हो रहा है बड़ा। हर नामदेव थैंक यू सर। सोच के बन रही है ऐसे इस इंडस्ट्री के छोटे दिली को मैं आमंत्रित करूंगा भाई वीरू ठाकुर जी मंच पर आए। देखिए मुझे पता था कि जब नाश्ता बढ़ जाता है तो तालियां प्रेस वाले तो वैसे भी बिजी है। हमारे जट्टा संगर भाई वहां देख के हंस रहे। कोई बात नहीं, मैं हमारे और एक भाई हैं जो पहले तो मैं उनको खाली विलन समझता था लेकिन आम जीवन में वो वाकई विलन है। अमित शुक्ला जी से विनंती करूंगा कि अपने रील और रियल लाइफ को दोनों को यहाँ ले आए क्योंकि दोनों लाइफ पे आप विलन है। आइए अमित शुक्ला जी आइए, हमारी ही आदरणीय पांडे जी को आइए। वो अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि खाली तुमका भेजिए तो आकर लेके क्या हो तुम कुछ मार पानी तो नहीं हमारे बीच सोनिया मिश्रा जी हैं, उनसे भी विनती करूंगा कि सोनिया जी आइए यहाँ आइए, फिर आगे देखते हम लोग क्या होता है। आइए नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहुत अच्छी एक आर्टिस्ट है, पहले बताओ बुलाए किसने? आपने तो इधर आने का चलो विलन है कहीं भी इधर उधर कुछ चलता रहता है। मैं हमारी और एक बहुत अच्छी मित्र है, हम लोगों ने कई शुरुआत से लेकिन पलक बाहर कहाँ जा रही है? पलक नॉट पलक, पलक पलक तिवारी जी हैं। आगे चल के आप बहुत बड़े स्टार हो और सबका दिल जीतो, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और अजय जी को बहुत बहुत बधाई, इस फिल्म के निर्माता सुनील जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बार बार बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब टाइटल लग रहा है। दूसरे थैंक यू बोल रहे ऊपर आइए सर, आइए दूसरे थैंक यू बोल रहे स्पेशली नाम लेके बोले कि थोड़ी देर बाद बुलाता हूँ। रीजन क्या है? सारे विलन जमा है इसलिए थोड़ी देर बाद बुला रहे थे। किस किस लिए? हाँ नहीं, सारे विलन एक जगह जमा है तो खतरा ज्यादा था लेकिन सबको मिलके बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लिए। तो करेंगे ना, ये लोग तो ऑलरेडी करते रहते हैं, ट्राई मारते रहते हैं। अच्छा लेकिन वहाँ बैठे हम यही देख रहे थे कि जितने लोग भी जमा हुए थे, कहावत है भोजपुरी में जहाँ घास नपोस वहाँ रेण महापुरुष, बिना औरतों के स्टेज की शोभा नहीं हुई है। तो जब सारे लोग यहाँ पर आए तो स्टेज की शोभा दिखाई दी। ये सत्य है कि वाकई में पुष्पा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बिना स्त्री के इस मंच की, क्या किसी भी मंच की या किसी भी परिवार के हर विषय। मैं रितु पांडे, मैं साकेत को जन्म की बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ और आर पार की पूरी टीम को बधाई दे रही हूँ। अजय गुप्ता जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और सुनील गिरी जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। रवि जी को तो कौन नहीं जानता और उनको भी मैं यहाँ से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों का यहाँ पर इस मंच पर स्वागत है। हम सभी कलाकारों को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, हमने बहुत कोशिश की है आप सबको आपके सबके इस पे रूबरू करके कुछ अच्छा करने की, बेहतरीन करने की। तो आगे भी कोशिश रहेगी कि हम कुछ अच्छा करें, बेहतरीन करें। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर कुछ नए कलाकार भी अब इस मंच से जुड़ रहे हैं वो उनको ही बता दूँ कि
आप जो आपके पिछले फिल्मों को देखते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखिए, डायरेक्टर से सीखिए, नए कलाकार और पुराने कलाकारों से सीखिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू आरपार की पूरी टीम को। साकेत जी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और आरपार की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, सुनील गिरी जी को और अजय जी को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन शुभकामनाएं। और साकेत जी भगवान करे बहुत तरक्की करे, बहुत बड़े स्टार बन जाए, बस मेरी ये शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। दोस्तों अगर मैं इस सभागृह में, इस प्रांगण में जितने लोग हैं अगर सबसे बुलवाऊंगा तो मुझे लगता है कि सुबह 5 बजे तक सुनील गिरी जी सिर्फ अपने आशीर्वाद देते। मैं चाहूंगा कि आज जिस बर्थडे बॉय का, जिस हमारे हीरो का आज यहाँ पर जन्मदिन है, जब उसका केक हम इस मंच पर काटेंगे और आप सारे लोगों की तालियां दुआओं के रूप में बजेगी तो मुझे लगता है कि आपके शब्दों से ज्यादा उस तालियों में आशीर्वाद रूपी आशीर्वाद मिलेगा। विनोद जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए, लेकिन उसके पहले 4 बहादुर लोगों को बुलाऊंगा। आइए आप बहादुर हैं, ये जरा बात ऊपर रखना है क्योंकि हम लोग तो खाली फिल्म में नकली चीज उठाते, आपको बोलना। आइए एक हमारे इस परिवार में, हमारे इस फिल्मी परिवार में एक नया चेहरा संजना जी जुड़ना चाह रही है, मैं उनसे विनती करूंगा कि आए मंच पर, क्योंकि नई है, उनके आशीर्वाद की जरूरत है, हम भी एक दिन नए थे, लेकिन आइए संजना जी। कौन हीरा मास्टर? मेरे गुरु जी हैं, सम्मान से नाम लीजिए। तो बुलाते ही डर लगता है, पता चला कि जय सिंह नहीं है। हीरा मास्टर जी हमारे बड़े भाई, जोरदार तालियों से कहा है हीरा जी, हीरा यादव जी लोग हैं, सबका स्वागत करता हूं। ये आप लोग हमारे अजीज श्री अजय कुमार जी के मुहूर्त में और साकेत गिरी जी का, जो इस फिल्म के हीरो हैं रवि जी के साथ, रवि किशन जी के साथ, वो आज उनका जन्मदिन है। मैं आप लोगों से आशीर्वाद के रूप में जोर से जोरदार तालियों के साथ उनका आशीर्वाद दीजिए, उनका जीवन मंगलमय हो और वो जिस क्षेत्र में है वो कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। और सब आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपने अजीज श्री अजय कुमार जी को शुभकामना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं उनके साथ 2-3 फिल्में अभी तक कर चुका हूं, आगे ईश्वर आगे भी करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप सिंह जी से मैं विनती करूंगा, क्योंकि आए पुष्प गुच्छ दे के चले गए, लेकिन उनके अपने शब्द उस शब्दों के रूप में जो टाइगर उमेश सिंह जी का, आइए उमेश सिंह जी का स्वागत है। ये इसीलिए मुझसे 1 घंटा लेट आए, मैं पूछा करना क्या, बोले आप रहोगे तो मेरा नाम पुकारोगे, नहीं तो तुम्हारा नाम पुकारना पड़ेगा। उमर में कर पा रहा हूँ, आइए भैया कितो का। अरे इस होटल के जो वेटर है उनसे विनती, केक ले आए, केक केक लेके आए, केक केक। वीरू ठाकुर जी आइए आप, क्या टाइगर यार, भूमिका बनाइए थोड़ा। अजय जी हीरो को इधर रखिए, प्रोड्यूसर को इधर रखिए, प्रोड्यूसर की जरा आइए, डायरेक्टर बीच में और हमसे भाई आप भी विजय भाई, वाह मेरे बहुत अच्छे मित्र विजय यादव जी मार्गदर्शन करते रहते हैं कई हम लोगों का, थैंक यू विजय भाई। We'll be right back.
जी हमें बताएं जरा आर पार के बारे में बताएं। मैं पीछे देख रहा हूँ आपके हाथ में गन है, रवि किशन के भी हाथ में गन है, लड़ाई मुझे लग रहा है इस बार आर पार की होगी। हाँ, मैं सभी आए हुए दोस्त मेहमान सबका दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि पूछा इन्होंने कि आर पार की क्या विशेषता है कि आर पार रवि किशन जी और मेरे में, आर पार एक ऐसी स्टोरी है जिसमें रवि किशन भी हीरो हम भी हीरो, बट अपने किरदार में दोनों बादशाह। बाकी कहानी राइटर और फिल्म बताएगी, ऐसे नहीं बता सकते। अपने बारे में बता दीजिए कम से कम आप। जी हम इससे पहले जीत मूवी मैंने की रितेश पांडे के साथ, जिसके डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह थे, और वो मूवी कंप्लीट हो चुकी है। मैं दुआ करूंगा कि जल्दी वो होली से पहले मूवी आ जाए और उसके बाद आर पार की शूटिंग। आर पार में आपके साथ और बाकी कौन कौन से कलाकार हैं? आर पार में सबसे बड़े मेगा स्टार रवि किशन जी, उसके बाद मैं हूँ, और विलन में उमेश सिंह जी हैं, जय सिंह जी हैं, और भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे लोग हैं। रवि किशन आए नहीं, पूनम दुबे आई नहीं, जिन दोनों का नाम आपके पोस्टर पर दिख रहा है, दोनों कलाकार नजर नहीं आ रहे हैं, कोई खास वजह इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे कुछ खास वजह नहीं है, दोनों अपने शूटिंग में व्यस्त हैं। रवि किशन जी से अभी हमारे मुहूर्त के टाइम उनसे वीडियो कॉलिंग में बात हुई, जो कि हैदराबाद में उनकी शूटिंग चल रही है। उन्होंने बहुत प्रयास किया यहाँ पर आने का, लेकिन वो आ ना सके, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया वीडियो कॉलिंग के जरिए, बहुत आशीर्वाद दिया हमें, और मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूनम दुबे जी भी कहीं शूटिंग में व्यस्त थी तो वो भी नहीं आ सकी। जी हाँ, पहले तो मैं यहाँ पर मेरे सामने साकेत बैठे हुए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, हमारे डायरेक्टर अजय गुप्ता जी को बधाई देना चाहती हूँ, रवि जी को, फिल्म की पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ, जो आर पार की पूरी टीम है, और मैं बहुत शुभकामना दूंगी कि ये लड़का बहुत आगे बढ़े, बड़ा स्टार हो, अच्छा काम करे, चूँकि इनसे मेरा पारिवारिक संबंध है और हमारे हम इनके गाँव के निकट के हैं, तो दिल से मेरे लिए बहुत मैं कहूँगी कि वेल विश हो, और आप सभी को भी बहुत बहुत मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बस यही है कि मेरी भी आने वाली जितनी भी फिल्में हैं वो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, उसके बारे में छापते रहिए, और इस फिल्म के लिए हमें भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इस फिल्म में मैं भी काम कर रही हूँ, तो मैं आज अपनी हिंदी फिल्म की शूटिंग से सीधा यहाँ पे ही मैं आई हूँ। तो थैंक यू और विश यू वेरी थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। हाँ, मैं सिंगर मतलब बन रहा हूँ, धीरे धीरे प्रयास चालू है, एक गाने मेरे अभी यूट्यूब पे हाल ही में चढ़े अपलोड हुआ है, और भी 3-4 गाने हैं जो अपलोड होने वाले हैं, उसके बाद होली गीत भी मेरा आएगा, और मेरी आर पार सुना देंगे, हमारी आर पार मूवी में भी गाने मेरे रहेंगे, कुछ 3-4 गाने मेरे इस मूवी में रहेंगे, बाकी मार्केट के सिंगर लोग के गाने रहेंगे। आपने बोला कि मेरे गाने सुनाओ, जो एक गाना बज रहा था डांस के तौर पे, उसका एक मुखड़ा है, पंक्ति सुनाता हूँ मैं आपको कि छोट बाट लइका एके कैसे समझाई कि जब लेना तू आइबा घरे कैसे बनब माई, क्या बात है, कि जब लेना तू आइबा घरे से बन घुमाई, ये एक पंक्ति था उसका, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और राम जी मीडिया वाले आपको कुछ पूछ लेना जी के साथ अपने पहले भी किए थे? नहीं नहीं, रवि जी के साथ ये मेरी पहली मूवी है, इससे पहले मैं रितेश पांडे जी के साथ काम किया, और ये मेरी दूसरी मूवी है जी, जो कि अब पर्दे पर आने की तैयारी पर है, राह पर है, ये कैसे शुरू हुआ? ये पिक्चर के पीछे कुछ बातें हैं मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपसे। दरअसल हमारे भोजपुरी में सबसे बड़े महान राइटर वीरू ठाकुर, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इस पिक्चर के भी वही राइटिंग कर रहे हैं, वही स्टोरी लेखक सब कुछ वही निर्देशक, मतलब A to Z वो डायलॉग वाला भी वही लिख रहे हैं। तो मैं उनके पास गया था तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, तो
मैंने बोला कि आप बताइए मुझे, तो फिर उन्होंने बोला कि ये स्टोरी है। और डायरेक्टर जी भी अजय गुप्ता जी जो हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी पवन जी की मूवियाँ की हैं, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि साकेत तुम करोगे ये मूवी? मैं बोला हाँ सर मैं करूँगा, स्टोरी मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोला कि ठीक है मैं भी सर करूँगा। तो उसमें फिर कास्टिंग होने लगी कि कौन कौन करेगा, तो फिर भाई प्रोड्यूसर जी मिले, प्रोड्यूसर जी ने बोला कि करते हैं तो दो हीरो की कहानी लेके उतरते हैं। तो उसके बाद में रवि किशन जी से बात हुई, तो वो हालांकि बहुत बिजी थे फिर भी हमें टाइम दिए और हमें हमारी पिक्चर को साइन किया और हमारे शूटिंग का डेट दिए, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। शुरू करूँ, आप त्रिमूर्ति में से किससे सबसे पहले सवाल पूछूं? जिससे आपकी इच्छा हो। आप ही जहाज के कैप्टन हैं, आपसे ही पूछता हूँ। जी सर पूछिए। तो जरा बताएं आर पार के बारे में, एक लाइन में क्या कहानी? मुझे लग रहा है बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा ड्रामा धमाका देखने को मिल सकता है, पोस्टर तो यही कह रहा है। जी सर, कहानी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा कि एक्शन, रोमांस, हर चीज़ से भरा हुआ ये फिल्म मिलेगा आपको, पूरा पैकेज है ना, और आपको बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म को देखकर, क्योंकि इसमें रवि सर जो हैं वो अलग ही भूमिका में दिखने वाले हैं आपको। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी के बारे में ब्रीफ नहीं कर सकता। थैंक यू। जरा मुझे ये बताएं जी कि फिल्म कब से आपकी शुरू हो रही है, कहाँ आप शूट करेंगे और कितने शेड्यूल में शूट करेंगे, कब तक तैयार हो जाएगी? जी ये फिल्म, एक मिनट सर, ये फिल्म मैं मार्च में शूट करने जा रहा हूँ और बनारस में वन शेड्यूल में ये फिल्म को कंप्लीट करूँगा मैं, और कंप्लीट मार्च में ये कंप्लीट कर लूँगा फिल्म। जी सर अगला सवाल। ठाकुर साहब बताएं मुझे जरा, कहानी आपने लिखी है, आप तो बड़ी हिटेड फिल्में आपने लिख चुके हैं, ये वो ठाकुर साहब थे शोले के बड़े मशहूर हुए थे, आजकल आप एक ठाकुर हो जो ज्यादा लिखावट में ज्यादा मशहूर हुए हो। मशहूर अभी लोग तो करता है। नहीं आपकी भी अपनी मेहनत है, तो जरा बताएं आज पार जब कहानी आप लिख रहे थे तो क्या सबसे यूएसपी फिल्म की क्या होगी, सबसे बेहतर चीज, सबसे खास बात जो आर पार को एक बेहतर फिल्म बनाएगी? एक फिल्म जो है ना हर वर्ग को मोटिवेट करेगी और आपको एक छोटा सा मैसेज देगी, डू और डाई, अगर करो या मरो, जीवन में कुछ हासिल करना है तो या तो करो या तो मरो। तो ये तो वीरू ठाकुर की अपनी कहानी हो सकती है, वीरू ठाकुर ने सब मेहनत में ही हासिल किया है। हर इंसान की अपनी कहानी हो सकती है और उसका एक स्टेज होता है जहाँ पे जाकर इंसान को लगता है या तो करो नहीं तो आउट हो जाओ। आपने तो पवन सिंह के लिए सारी फिल्में लिखी है, हिट फिल्में सब पवन सिंह की है बेसिकली आपके, तो रवि किशन को ध्यान में रखकर और एक नए बच्चे को ध्यान में रखकर कैसे कहानी गढ़ी गई फिर? थोड़ा मुश्किल था बट धीरे धीरे हो गया। कौन सी के लिए लिखने में ज्यादा आसान होता है आपकी नजर? राइटिंग आसान नहीं होता, लेकिन एक तमन्ना था कि इंडस्ट्री में सब लोगों के लिए लिखे हैं, रवि जी बच गए थे और वो लीजेंडरी हमारे इंडस्ट्रीज के, और वो सौभाग्य सुनील जी और अजय जी ने हमको दिया। जब आप कहानी लिखते हो तो आर्टिस्ट भी कुछ इनपुट देता है आपको, कभी कौन सिंह आके कहते हैं कि वीरू जी आपने ऐसा लिखा है या इसमें ये बेटर रहेगा, सजेशन मिलते हैं कम से कम? सजेशन मिलते हैं लेकिन थोपा नहीं जाता है कहीं भी। अच्छा, मतलब होता वही है जो आप कहते हो? ओवरऑल वही होता है। और कौन कौन सी फिल्में हैं आपकी? फिल्में अक्सर हिट होती है, आप हिट फिल्मों के राइटर माने जाते हैं, लकी राइटर माने जाते हैं, तो ये कैसे कर पाते हैं कि सारी फिल्में आपकी हिट होती हैं? टीम वर्क होता है, हम लोग, हमारी जो भी टीम है स्टार्ट से, जहाँ से पैसे आने शुरू होते हैं, प्रोड्यूसर से लेके, डायरेक्टर से लेके, स्टार कास्ट, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, एडिटिंग से लेके और रिलीज करने में जो लोग जिम्मेवार है, डिस्ट्रीब्यूशन तक सबका सपोर्ट होता है, मेरा कुछ नहीं है सर। असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो बताइएगा। प्रोड्यूसर साहब थैंक यू, जरा बताएं आर पार के बारे में, हमें जरा बताएं कि बेसिकली कैसे ये फिल्म हुआ कि भाई हमें ये फिल्म बनानी है, कैसे प्रोड्यूसर साहब आपको मिले, रवि किशन को कैसे मुलाकात हुई? रवि किशन तो हमारे पहले से संपर्क में है, डायरेक्टर जो है हमारे वीरू जी के थ्रू मिले हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बातों से लगा, हम लोग बैठे मीटिंग किए और बहुत जल्दी 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर हम लोग एक डिसाइड किए। अच्छा, जब आपने सोचा कि फिल्म बनानी है तो पहले से ही था कि रवि किशन जी ही हमारी फिल्म में हीरो होंगे या खेसारी लाल पवन सिंह के बारे में भी मैं सोचा था? अभी हमने अचानक ये हमारे सामने मोड़ा है और कोई हमने सोचा नहीं था कि रवि किशन मेरे फिक्चर में काम। जीत भी आपने बनाई है जी। अब ये दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म दूसरी फिल्म में आपने कुछ देखा कि अंतर आपने महसूस किया हो या कुछ बेटरमेंट आपने कुछ फील की हो? जीत बहुत अच्छी मूवी बनी है और
इसमें हमारे यहाँ कोई ज़्यादा नहीं तजुर्बा, ज़्यादा हमको देखने को मिला कि पिक्चर हम अपने बेटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तीन फिल्मों के बाद आपका तजुर्बा ज़्यादा होगा। अजय जी, आप ज़रा बताएं फिल्म के बारे में, हमने आपने बताया कि शूट करेंगे, क्या फिल्म के जो बाकी एक्टर्स हैं रवि किशन और साकेत के अलावा ये फाइनलाइज हो चुके हैं? नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक तक फाइनलाइज हो जाएंगे। जाते-जाते आपको कुछ कहना है ऑडियंस से? सभी मीडिया बंधु को शायद नए साल में किसी ने हमसे पूछा नहीं, शुभकामना देते चले नए साल की, है ना, तिला संक्रांत की और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। थैंक यू मीडिया बंधु, थैंक यू। साकेत हमारा भाई है और अभी एक फिल्म उसने किया है, बहुत ही अच्छी बात थी। दूसरी फिल्म उसकी आ रही है आर पार, आज उसका बर्थडे भी है। मेरी तरफ से इतनी शुभकामना है कि आगे बढ़ते रहे और एक से एक फिल्मों को देता रहे और सुपरस्टार बनता रहे। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से उसके लिए। साकेत गिरी हमारा पोता है और मैं आरती पांडे हूँ, और जो है मुझे उनको चांद सूरज जैसे देखना है, वो बहुत आगे बढ़े, बहुत सुपर स्टार बने, और मेरी हार्दिक यही इच्छा है कि वो चांद सूरज जैसे उज्ज्वल हो, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, और मेरी शुभकामना उनके साथ। एक फिल्म की शूटिंग समाप्त हो गई, फिल्म का शुरुआत हुआ है, आगे और क्या दिशा? एक फिल्म का शूटिंग समाप्त हुआ, दूसरी का हुआ, आगे वो हमेशा शूटिंग करते रहे, मैं इसी तरह जो है देखती रहूँ और उनको आशीर्वाद देती, बधाई देती रहूँ। मैडम आप कुछ बोलेंगे साकेत के लिए? मैं तो माँ हूँ, मैं तो सोचती हूँ कि मेरे जो बच्चा है बहुत आगे जाए, मेरा ऐसे ही नाम रोशन करे, मैं बहुत खुश रहूँ कि मेरा बेटा बहुत नाम कमा और बहुत मेरा बहुत ऐसे मेरा सीना बहुत चौड़ा है, बहुत गर्व करूँ। हर एक चीज़ मतलब माँ बाप का सपना जो रहता है वो पूरा करें, मान मर्यादा जो है बचा रहे, कभी कोई चीज़ के शिकायत माने जाते हैं। टाइगर एक नया उपाधि मिला है आपको, और
आने वाले दिनों और भी कई आपको उपाधि मिलने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बर्थडे भी है साकेत का, उसके किशन जी के साथ उनकी शुरुआत आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं अपनी मीडिया को जो मुझे इतना प्यार सम्मान दिया है उसे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार प्रणाम करूंगा। सारी जनता जनार्दन को हर हर महादेव कहता हूं। बम बम। आज हमारे छोटे भाई साकेत गिरी का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के शुभ अवसर पर फिल्म आर पार का मुहूर्त हुआ है। अजय कुमार जी इसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हमारे सुनील भैया हैं, सुनील गिरी जी, रवि भैया इसमें हीरो हैं और साकेत जी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर फिल्म का मुहूर्त हुआ है और हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ पे उपस्थित है, तो बड़ी खुशी हो रही है। और रही बात रामचंद्र जी लक्की की, तो लक्की आप मीडिया वालों ने और जनता ने बनाया है, इसके लिए मैं आप लोगों का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। बेहतरीन, धन्यवाद जी। आप दोनों भी चाहते हैं पहले मैं ये पहले दोनों में से कोई लेडीज फर्स्ट। पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों को पुष्पा शुक्ला की तरफ से नमस्कार करती हूँ और साकेत जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनको अपने दिल से यही दुआ करूँगी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, नए साल के साथ साथ उनके जो है ईश्वर तरक्की बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। इस फिल्म आर पार के फिल्म के साकेत जी हीरो हैं। सुनील जी कल हमको जब फ़ोन करके उन्होंने इन्फॉर्म किया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल हम आएंगे, क्योंकि साकेत अजय जी इस फिल्म के डायरेक्शन कर रहे हैं और अजय जी भी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं, तो ये मुझे पूरी आशा है कि इस बार हम इन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं और दिल से यही दुआ देंगे कि आर या पार पिक्चर बहुत ही अच्छी जाए, क्योंकि एक पारिवारिक और एक एक्शन मूवी है जो लोगों को पसंद है। ये शायद मुहूर्त ही ऐसा मौका होता है जब खलनायक हीरो को शुभकामनाएं देता है। जी जी, बाकी फिल्में तो गालियां और मारता ही रहता है। सत्य कहा आपने और यहाँ आके सही कहा आपने कि मुहूर्त ये कैसा फंक्शन होता है जहाँ पे विलेन हीरो को शुभकामना देता है, तो आज भी वही मौका है कि साकेत गिरी का आज जन्मदिन है और फिल्म आर पार का मुहूर्त भी है, तो मैं पहले तो साकेत गिरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में उनकी नई फिल्म जो आर पार, बड़ा अच्छा टाइटल है, जिसमें रवि किशन जी हैं, साकेत गिरी हैं, पूनम दुबे हैं और उमेश जी हैं, पुष्पा जी भी हैं, मैं भी हूँ, जय जी हैं और भी बहुत सारे लोग होंगे, इनका नाम बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा। तो टाइटल से लग रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है। अजय गुप्ता जी एक प्रतिभाशाली निर्देशक हैं, तो उनके निर्देशन में काम करने का जो अनुभव होगा निसंदेह काफ़ी अच्छा होगा। मकर संक्रांति कल थी, तो मकर संक्रांति की मैं सभी भोजपुरी समाज को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्य उत्तरायण हुए हैं, मकर राशि में प्रवेश किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये साल खास करके फिल्म जगत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हर हर महादेव। अच्छा जी, इस बार मुझे लग रहा है इस फिल्म में खलनायकों की टोली थोड़ी भारी लग रही है। प्रेम जी आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपकी बात एकदम सही है। सबसे पहले मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे बीच आने वाले भाइयों को। और विलेन जब ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा लोगों को लगता है ना कि कुछ भारी होने वाला है, इसलिए विलेन की टोली जो है अब लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विलेन रखा जाए। और यहाँ ज़्यादातर विलेन आए भी हैं। हाँ, इस फिल्म में ज़्यादा विलेन आए हुए हैं। और इनको तो वैसे भी रियल में देख के डर लगता है। क्या नहीं, आपने औरत बोल दिया उनको, बुरा लग गया। औरत मत बोलिए, औरत मत बोलिए, देखिए बुरा लग गया उनको। वैसे कटप्पा कहे जाते हैं आप इस इंडस्ट्री के लिए, अब मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे पास अपना ही कटप्पा है। क्या बात है, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा।
अच्छा वो कैरेक्टर था, मुझे अवसर मिला और मैं उसको प्ले करके दिखाया कि एक्टिंग करने का मौका मिलता कुछ करने के लिए। कोशिश हर समय मेरी यही रहती कुछ अच्छा करूँ, हर समय तलाश रहती कुछ अच्छा करने के लिए। जी आप लोग मेरी तरफ से साकेत जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारी फिल्म आर पार के लिए सारे सबको, मतलब डायरेक्टर जी हमारे अजय जी हैं, उनको, सुनील गिरी जी को मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जितने भी एक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। अब आगे सवाल हमारे सीनियर अमरनाथ जी पूछेंगे, क्या करने वाले हैं? आर पार बहुत ही अच्छा टाइटल है और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर आकर, और साकेत जी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, और गॉड ब्लेस यू, आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत सारी फिल्में आप करें, एंड आर पार टाइटल ही ऐसा, आर पार आर या पार मतलब बीच का कुछ नहीं है, हम कहते हैं ना कोई भी चीज। राम भाई बताइए वन बाई वन के लिए। जो आर पार्क के बारे में बताइए, और आज साकेत जी का बर्थडे है, क्या विशेष ब्लेसिंग देना चाहेंगे? देखिए आज आर पार फिल्म का जो मुहूर्त हुआ उसके डायरेक्टर श्री अजय कुमार जी, उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना, और उसके हीरो जो साकेत गिरी जी हैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई, और उन दीर्घायु हों, और जिस मिशन में जिस क्षेत्र में वो काम करने जा रहे हैं वो कामयाब हों, शिखर तक पहुँचे, बहुत ऊँचाई तक पहुँचे, और बहुत नाम उनका हो, और हमारे डायरेक्टर श्री अजय कुमार जी का भी इसी तरह नाम हो। मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं, ये दोनों हस्तियां इसी तरह भविष्य में अच्छे काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश जी, मैं सबसे पहले हमारे मीडिया वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बताना चाहूँगा कि ये आर पार जो फिल्म है, हमारे साकेत जी और रवि किशन जी हैं इस फिल्म में, और बड़े ही एक्शन, इसकी फिल्म नाम ही ऐसा है जैसे एक्शन फुल फिल्म है ये, और उसके साथ हमने गाना भी सुना, बड़ा ही स्पीड गाना जो आज लोग लाइक करते हैं, जैसे साउथ की फिल्में आपने उठा के देखा जिस तरह स्पीड गाने चलते हैं उस तरह के इसमें गाने हैं, और स्वयं मुझे इनके मतलब साकेत जी के गाए हुए गाने मुझे बड़े पसंद आए, गाने सभी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, और बड़ा ही स्पीड गाना है, बड़ा अच्छा लगा गाना देख के। और मैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं हमारे अजय कुमार गुप्ता जी, एक बेहतरीन, और मैंने उनकी फिल्में देखी है, इतना अच्छा उनका काम है, उनके साथ काम करने का ये समझ लो सौभाग्य की बात है कि उनके मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, और इस फिल्म के निर्माता सुनील गिरी जी को उनको धन्यवाद दूंगा, और उन्होंने आमंत्रण दिया हमें इस फिल्म के लिए, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, और ये आर पार की पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी मैं राहुल श्रीवास्तव, और इस फिल्म से मैं भी जुड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ साकेत जी का कि आप जियो हजारों साल के वक्त हो हजारों साल वो भी है, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अजय जी, बहुत घनिष्ठता मेरी है, साथ में तो काम नहीं किया कभी, पहली बार करने जा रहा हूँ, और सुनने में आया जैसा कि जो राइटर हैं वीरू ठाकुर जी ने बताया कि बहुत मतलब एक कॉमिक और एक एक्शन रोमांटिक फिल्म बन रही है, तो सारे मसालेदार पिक्चर ये है, तो इसमें काम करके अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सर।